बिग बॉस OTT 3 के घर पे मुनावर फारूकी के एंट्री जैसा लग रहा है कि मतलब दिन बना दिया लोगों का, मतलब वहां का लोगों का नहीं, मतलब ऑडियंस का। जो लोग लाइव फीड देखते हो तो वो तो उन लोगों को पता ही है, और जो लोग नहीं देखते हो उन लोगों के लिए तो मैं आ ही जाती हूँ। साथ ही में एपिसोड पे आएगा डेफिनेटली मुनावर का जो इतना पंच लाइन है, वो कैसे मिस हो सकता है, जरूर उसको भी दिखाएगा। लेकिन क्या किया है मुनावर फारूकी और मुनावर फारूकी के एंट्री से घर पे क्या क्या हुआ है, चलिए बात करते हैं। सो मुनावर फारूकी घर पे एंट्री करके घर पे जो कंटेस्टेंट है उनके साथ किया एक रोस्टिंग टास्क, जहां पर एक दूसरे को घर के मेंबर्स जो है रोस्ट करेंगे। एंड डेफिनेटली मुनावर जो है एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो उनका भी काम है रोस्टिंग वोस्टिंग करना, तो वो भी करेंगे। तभी आते हैं टॉपिक पे। सो मुनावर का जो मेन काम है वो है स्टैंड अप कॉमेडी, तो वही चीज करते हैं और घर वालों से करवाते हैं। तो इसमें थोड़ा नोकझोंक भी होता है, क्या होता है नहीं होता है वो तो बताएंगे। लेकिन चलिए बात करते हैं कौन किया है किसको रोस्ट और कैसे। सो बेसिकली अरमान मलिक का जो लैंग्वेज इशू है, मतलब लैंग्वेज इशू मतलब वो खुद बदतमीज है। आई डोंट नो रणवीर शौर्य कभी उनको बदतमीज क्यों नहीं बोले। उनके अकॉर्डिंग तो सिर्फ बदतमीज है सना मकबूल और लपकेश कतारिया, और कोई बदतमीज है ही नहीं। वो तो खुद एकदम दूध से धुले हुए है, और अरमान मलिक भी ऐसा ही कुछ स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घटिया है और कमेंट भी बहुत बदतमीजी करते हैं। तो रोस्टिंग करते हुए अरमान मलिक ने कहा कुत्ता जैसा भौंकता है। किसको कहा? डेफिनेटली लवकेश कतारिया को। लवकेश कतारिया जब बात करता है ऐसा लगता है कि कुत्ता भौंक रहा है, ऐसा उसका रोस्टिंग स्टैंडर्ड है, मतलब सोच सकते हो, इसलिए उसको इतने हेट मिलता है। उसके बाद सना मकबूल को कहा कि सना खुद का बच्चा खा जाएगी, मतलब सांप से उनको ट्रिगर करके बोला गया कि नागिन जैसे खुद के बच्चे को पहचान नहीं पाते हैं, वैसे ही सना मकबूल जो है अगर उसको खाना नहीं मिला वो इतना सेल्फिश है खुद के बच्चे को खा जाए। मतलब इतना गंदा, इतना बिलो द बेल्ट कमेंट, मुझे नहीं लगता ये रोस्टिंग है, ये बहुत ही बिलो द बेल्ट मुझे कमेंट लगता है। लव अरमान ओके। उसके बाद लवकेश का वारी था, तो लवकेश ने वहां पर किया कि अरमान को काम है सिर्फ एक अच्छा सा कोट किया, जहां पर बहुत ही मजेदार था लवकेश का, और मजेदार लवकेश वैसे ही बहुत ही हसमुख है और मजेदार टॉन्ट तो करता ही है। तो लवकेश ने अरमान को कहा कि अरमान का एक ही काम है, पॉटी नहीं तो रोटी, रोटी गोल गोल चाहिए और पॉटी का फ्लैश क्लियर चाहिए। तो ऐसे करके रोस्ट किया है अरमान को। कृतिका मलिक को भी रोस्ट किया गया, जहां पर कृतिका मलिक को बहुत ही डिसेंट वे में कहा लवकेश ने कि आपने इतना सारा कपड़ा लेकर आए हो घर से कि कारपेट के जगह अगर कपड़ा भी रख दिया जाए पूरे घर पे तो समझ नहीं आएगा। साथ ही में उसने ये भी कहा कि कृतिका मलिक मतलब भाभी कहाँ है, ढूंढने से भी नहीं मिलता, मतलब खो गई है, अरमान के अलावा वैसे दिखता नहीं है, तो वही चीज को ट्रिगर किया है। और रणवीर ने भी बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन शेयर किया है, और उनका जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सना मकबूल के साथ, उनको भी जैसे वो करते हैं नॉर्मली बोलते हैं कि नागिन है ये सब, तो ये सब बोलकर रोस्ट किया है। ही इज नॉट अ रोस्टर बट ही इज अ वेरी 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 गुड एक्टर, तो उनका जो पंच लाइन है तो अच्छा काम किया है। तो ये रोस्टिंग तो काफी मजा आया देखने में। और मैं लवकेश का बात करूं, लवकेश ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन अगर आपने रोस्टिंग देखा है लाइव पे तो आपको कैसा लगा जरूर बताना, नहीं तो एपिसोड पे जरूर देखना। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।